जी हाँ, CAA, NRC और NPR के विरोध में जो आग सुलगी थी उसकी चिंगारी देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। शाहीन बाग में महिलाओं का धरना जारी है। यूपी में भी लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोग विरोध के नए नए तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन जो इस कांग्रेस नेता ने विरोध का तरीका आजमाया वो सबसे अलग है। इसमें विरोध, इमोशंस, ड्रामा और राजनीति सब कुछ है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता हसीब अहमद CAA के खिलाफ विरोध जताने कब्रिस्तान ही पहुंच गए और अपने पुरखों की कब्र पर नागरिकता का सबूत मांगने लगे। अपने पुरखों से कहा कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के ही वाशिंदे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आप NRC और CCA के जद में अगर आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने पुरखों की कब्रगाह पर आए हुए हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए। तो इस मुल्क के हम पाशिंदे हैं, इस मुल्क के हम बंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी मुल्क में रहे हैं और इसी मुल्क में जमींदोज हो गए हैं। तो हम अपने पुरखों की कब्रगाह पर आ करके उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हम पाशिंदे, इस मुल्क के हम रहनुमा हैं। इस दौरान हसीब अहमद भावुक भी हो गए और रोने लगे। कहा कि हम इस मुल्क के ही रहने वाले हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इस मुल्क में रहे हैं, हमारे पूर्वज इसी मुल्क में जमींदोज हो गए। कांग्रेस नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नागरिकता कानून और NRC को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री तो साफ कह चुके हैं कि कुछ भी कर लो लेकिन ये CAA वापस नहीं लिया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।